उनका राज्य स्थापित करना है। और राज्य कहां से शुरू होता है, राज्य का मतलब समझिए पहले। अयोध्या में राम राज्य क्यों था, क्योंकि राम जी की आज्ञा का पालन होता था। से राम राज्य का अर्थ क्या है, जो जीते जागते उदाहरण जो है वो हनुमान जी हैं। और आप हनुमान चालीसा का खूब जप करते हो, उसमें क्या आता है, राम काज करबे को आतुर। और राम राज्य किससे बनेगा, इंसान राम राज्य लाएंगे। यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राम मंदिर तो भक्तों की इच्छा से बन ही गया। हाँ, ध्यान रखिएगा, भगवान हर जगह है, परंतु बेसिकली भक्तों की इच्छा से प्रकट होते हैं। किसकी इच्छा से, भक्तों। परंतु अब सेकंड पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गया, वो क्या है, राम राज्य क्या है। मंदिर राम जी को बुला लिया, अब बुलाने के बाद क्या करना है, उनका राज्य स्थापित करना है। और राज्य कहां से शुरू होता है, राज्य का मतलब समझिए पहले। रावण राज्य कहां चलता था, लंका में, अर्थात लंकावासी रावण की आज्ञा का पालन करते थे, ठीक है ना जी, जब ही तो लंका राज्य था। अयोध्या में राम राज्य क्यों था, क्योंकि राम जी की आज्ञा का पालन होता था। राम जी के वनवास के बाद भी भरत महाराज ने क्या किया, किसकी आज्ञा का पालन किया, राम जी की। तो इसी तरीके से राम राज्य का अर्थ क्या है, हम लोग राम राज्य का अर्थ ही नहीं समझे। राम राज्य का अर्थ है कि राम जी की बात, राम जी की आज्ञा का पालन करें। और हमारे सामने जो जीते जागते एक उदाहरण जो है वो हनुमान जी हैं। और आप हनुमान चालीसा का खूब जप करते हो, हैं जी, उसमें क्या आता है, राम काज करबे को आतुर। राम काज का मतलब क्या है, राम की आज्ञा को करने के लिए आतुर होना, उसके लिए आज्ञा जानना आवश्यक है। अगर आप आज्ञा ही नहीं जानते तो हम राम राज्य कैसे स्थापित करेंगे। और राम राज्य किससे बनेगा, इस जमीन से नहीं, इन बिल्डिंगों से नहीं, इंसान राम राज्य लाएंगे। और राम राज्य बनता है इंसानों से, और इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति, व्यष्टि जिसे कहते हो आप हिंदी के अंदर, वो बेसिक एक एक से बनता है। उसका मतलब जब अपने जीवन में आप राम राज्य स्थापित करेंगे तभी तो वो शुरुआत होगी। तो वो कैसे होगी, उसका एक ही तरीका है कि आप राम जी की आज्ञा को जाने और उसको अपने जीवन में लगाएं। अब वो आज्ञा कहां से जाने, तो राम और कृष्ण भगवान में, राम भगवान में और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है, ये आज का विषय नहीं है। दोनों तत्वों में एक हैं, दोनों तत्वों में एक हैं, लीला अलग अलग है। शॉर्ट में समझा दूं, एक व्यक्ति है जो जज भी है और पिता भी है। व्यक्ति एक ही है परंतु उसकी कार्य दोनों के अलग अलग है, बस अलग अलग कार्य कर रहा है। और जब वो चाचा बनता है तो अलग होता है, ताऊ बनता है तो अलग होता है, मामा बनता है तो अपनी भांजी की शादी में भी जाता है करने कार्य, है ना जी। तो हर कार्य के लिए, परंतु व्यक्ति तो एक ही है। इसी तरीके से सारे तत्व एक नहीं है, सब एक नहीं है। गीता के अंदर भगवान ने साफ कहा है, यान्ति देवावृता देवान पितृनांति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा मज्जिनो अपि माम, के देवों की पूजा करोगे देव लोग जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोग जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोग जाओगे, मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे। तो ये बिल्कुल भ्रांतिमूलक सिद्धांत है कि किसी की पूजा करोगे तुम भगवान के पास पहुंचोगे, राम जी के पास नहीं पहुंचोगे। और राम जी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो कृष्ण भगवान के रूप में, राम जी कृष्ण भगवान के रूप में आके उन्होंने हमें अपनी आज्ञा सुनाई भगवद गीता के रूप में। किसके रूप में प्रभु जी, भगवद गीता के रूप के अंदर उन्होंने सारा कुछ समझाया कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन कैसे चलाना चाहिए, जीवन का क्या लक्ष्य है।